12% की जंग जबरदस्त है। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव आ रहे हैं और टेंशन में राहुल गांधी है। तो वहीं हैदराबाद वाले भाईजान ने भी मुंबई का प्लान बना लिया है और इससे परेशान ठाकरे कैंप है। दरअसल अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी दोनों की नजर यहां के 12% वाले खास वोट बैंक पर है। इस वोट बैंक की ताकत ऐसी है कि पवार का पावर पंच भी फेल हो जाए। क्या है महाराष्ट्र में ये 12% वाली फाइट? बिग एंड बोल्ड की ये दूसरी एक्सक्लूसिव। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी शतरंज पर अब चाल बड़ी तेजी से चले जा रहे हैं। एक और सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महायुति देश की आर्थिक राजधानी में अपना सियासी दबदबा बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी भी सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। लेकिन दोनों गठबंधन के लिए शायद राह आसान नहीं रहने वाली, खासकर महाविकास अघाड़ी के लिए तो टेंशन बढ़ने वाली है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जैसी छोटी पार्टी किंग मेकर बनने के चक्कर में है। सीधे सीधे इनकी नजर राज्य की 12% मुस्लिम वोट बैंक पर है। यकीन नहीं होता तो पहले अबू आजमी का ये पोस्ट देख लीजिए। आजमी साहब महाराष्ट्र की सियासत में पहचान के मोहताज नहीं है, पुराने समाजवादी चेहरे के तौर पर पहचान है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे को टैग करके इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट किया है उसे MBA का गुणा भाग जरूर गड़बड़ा सकता है। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि अगर महाविकास अघाड़ी को कोई भी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना हो, वो बिना समाजवादी पार्टी से बात किए या बिना विश्वास में लेते हुए विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं, इसका मतलब है कि वो समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं मानते। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, जिन सीटों पर पार्टी मजबूत है ऐसी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। अबू आजमी के इस पोस्ट का मतलब समझिए, अगर समाजवादी पार्टी को MBA में मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो वो भी वही रुख अपना सकते हैं जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किया था, और अगर ऐसा होता है तो सीधा सीधा नुकसान MBA को होना तय है। विधानसभा चुनाव को लेकर हर रोज बढ़ रही सियासी सरगर्मी के बीच अखिलेश यादव 18 अक्टूबर को 2 दिनों के दौरे पर महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश यादव मालेगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दूसरे दिन शनिवार को वे धुले में एक सियासी कार्यक्रम में शिरकत लेंगे। खास बात यह है कि मिशन महाराष्ट्र के तहत अखिलेश यादव मुस्लिम बहुल इलाके का दौरा करेंगे। आखिर अखिलेश यादव महाराष्ट्र की सियासी पिच पर उतरने को इतने बेताब क्यों हैं? तो इसकी बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी को यहाँ नई उम्मीद दिख रही है, उम्मीद यूपी से बाहर पार्टी के मेगा विस्तार की। 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली। ये बात अलग है कि दोनों ही विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। 2014 में साइकिल पर सवार होकर सिर्फ एक उम्मीदवार विधानसभा पहुंच पाया था, जबकि 2009 में पार्टी ने 4 सीट जीतकर अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। अब की बार समाजवादी पार्टी की नजर महाराष्ट्र की करीब 30 मुस्लिम बहुल सीटों पर है, यहाँ अपनी मजबूत तैयारी का दावा कर रही है। पार्टी की कोशिश यही है कि इस बहाने वो विपक्षी गठबंधन पर दबाव बना सके और कम से कम 10 से 12 सीट हासिल कर सके। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा यूपी से आगे निकलने की थी। तब तो एक सवाल के जवाब में तब उन्होंने कहा था, महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक हैं, नगर सेवक रहे हैं, हमारी पार्टी के एक समय में हमारे 4 से 5 विधायक थे, जहां संगठन होगा और जहां हम गठबंधन में जीत सकते हैं वहीं सीटों पर विचार करेंगे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी के साथ बिना सीट शेयरिंग के ही सपा उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की घोषणा शुरू कर दी है। मुंबई की 3 सीटों के साथ साथ भिवंडी की 2 सीटों से प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है।
समाजवादी पार्टी की नजर महाराष्ट्र की मुस्लिम बहुल सीटों पर है, जिसके लिए अखिलेश यादव खुद सियासी रण में उतर रहे हैं। इसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत देखा जा रहा है। इस वक्त शिवाजी नगर से अबू आजमी और भिवंडी पूर्व सीट से रईस शेख समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र में साइकिल के सहारे विधानसभा पहुंचने वाले उम्मीदवार मुस्लिम ही रहे, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अब की बार जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है उसमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल हैं। मुंबई की मानकोट शिवाजी नगर भाईखला वर्सोवा के अलावा मुंबई से सटे ठाणे की भिवंडी ईस्ट भिवंडी वेस्ट दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान समाजवादी पार्टी का है। इसके अलावा धूलिया और औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर रखी है। पूरा विश्वास में सबको लिया जा रहा है, जल्द ही एक साथ सबके साथ मीटिंग भी होगी। तो ये कह देना अबू आजमी जी का समाजवादी का कि हमें विश्वास में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको विश्वास में लेकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक अपनी एक लिमिट होती है, उसकी भी एक अपनी मर्यादा होती है। उस मर्यादा में रहते हुए भी एक दूसरे को हम साथ में लेकर चल सकते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स करीब 12% हैं। 45 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर निर्णायक हैं। ये सीटें उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा, मुंबई और पश्चिमी विदर्भ में हैं। मुस्लिम वोटर्स की यह तादाद हैदराबाद वाले भाईजान को भी महाराष्ट्र खींच लाई है। वैसे तो पिछले दो विधानसभा चुनाव से ही AIM-IM के उम्मीदवार असेंबली तक पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब की बार असदुद्दीन ओवैसी विधायकों के नंबर को सिंगल से डबल डिजिट में लेकर जाना चाहते हैं। तभी तो आए दिन मुंबई में नजर आते हैं, मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, फिर चाहे मुद्दा ट्रिपल तलाक का हो या फिर वक्फ बोर्ड का। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। ओवैसी की पार्टी AIM-IM ने महाराष्ट्र की तकरीबन 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। 5 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार भी ओवैसी ने उतार दिए हैं, खासकर वो सीटें जहां पर मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा हैं। ओवैसी को ये बात बखूबी पता है कि मुस्लिम वोट के दम पर ही अपनी सियासी जगह बना सकते हैं और उसका ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन यकीनन मराठाओं को दो, मगर मुसलमान क्या गुनाह करे। मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है दो, मैं हमारे मराठा भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। वोट बैंक की खातिर महाराष्ट्र में कभी छोटे ओवैसी औरंगजेब की मजार पर जाकर चादर पोशी करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो वोट की ही खातिर बड़े ओवैसी उस छत्रपति शिवाजी महाराज के शरण में आ जाते हैं जिनकी आंखों में औरंगजेब ताउम्र खटकते रहे। कुछ महीने पहले हैदराबाद वाले भाईजान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या कुछ कहा था, ठीक से सुन लीजिए। उनका लॉ मिनिस्टर मुसलमान था, तोप का मिनिस्टर मुसलमान था। शिवाजी एक सूफी के पास बराबर जाते थे तो शिवाजी मुगलों के खिलाफ था, छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं था। छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, वो तो गरीब और मजलूमों का एक बहुत बड़ा बादशाह था। महाराष्ट्र की सियासत में लंबे समय तक मुसलमानों ने कांग्रेस को अपनी पसंद बनाया है। महाराष्ट्र में 1980 में कांग्रेस ने पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री रहमान अंतुले बनाया था। उसके बाद से अभी तक कोई भी मुस्लिम इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच नहीं पाया है। कांग्रेस से टूटी NCP, उसके बाद में कांग्रेस और NCP को भी मुसलमानों ने वोट किया, लेकिन इस बार असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों के वोट पर हर पार्टी की नजर है। अब तक महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारने का काम कांग्रेस पार्टी ही करती थी, लेकिन अब की बार BJP के साथ मिलकर राज्य में सरकार चला रहे CM शिंदे और डिप्टी CM अजीत पवार की नजर भी मुस्लिम वोट बैंक पर है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार वाली NCP भी मुस्लिम वोटों की उम्मीद में है। जाहिर है ओवैसी और अखिलेश की सियासी एंट्री से सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस की बढ़ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के परंपरागत वोट को साधने के लिए सभी दल लगे हुए हैं।
इनमें उनके सहयोगी भी हैं और विरोधी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।